सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर दो अलग अलग जगह पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के नागरिक अस्पताल शवगृह में रखवा दिया गया। वहीं दोनों मृतकों में से अभी तक किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि सोनीपत जिंदल यूनिवर्सिटी फ्लाईओवर के नीचे एक बुजुर्ग आदमी का शव पड़ा हुआ है। जब रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि बुजुर्ग की आयु 50 साल के करीब है और उसने हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। वहीं रेलवे पुलिस के पास दूसरी सूचना सोनीपत शनि मंदिर के पास से आई, जहां एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था। युवक की आयु 25 साल है। वहीं रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर सोनीपत के नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। वहीं अभी तक दोनों में से किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है। आज सवेरे 6 बजे करीब मैसेज आया था, एक डेड बॉडी थी जिंदल यूनिवर्सिटी का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे, रेलवे एक्सीडेंट है ये, और इसने जो है हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और नीले रंग का लोअर पहना हुआ है और इसकी अभी कोई शनाख्त नहीं हुई है। एज करीब इसकी 50 साल है और एक डेड बॉडी मिली थी शनि मंदिर के पास, जिसके क्या नाम इसने जो है स्लेटी रंग की छींटदार कमीज पहनी हुई है और जींस की पैंट है और एक लाल छापेदार शाल ओढ़ा हुआ है और इसकी भी शनाख्त नहीं हुई है। इसकी एज है करीब 20-25 साल। जिनकी शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है।